नमस्कार है उन भगवान गौतम बुद्ध को जिन्होंने आज से कुछ 2600 वर्ष पूर्व धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। सार्वजनीन सार्वकालिक धर्म का न सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष ही रखा, उस पर चलने उसे धारण करने का मार्ग यानी विपश्यना साधना भी सिखाई। भगवान के काल में गृहत्यागी भिक्षुओं के साथ साथ भिक्षुणी उपासक और उपासिकाएं भी भगवान के बताए मार्ग पर चलकर अपना मंगल साध लेते थे। बुद्धत्व प्राप्ति के 5वें वर्ष के बाद भगवान ने भविष्यवाणी की कि उनके द्वारा सिखाया जा रहा धर्म 500 वर्षों तक अपनी शुद्धता कायम रखता हुआ मार्ग और फल की प्राप्ति में सहायक रहेगा। इसका विवरण हमें विनय पिटक के चूड़वग्ग में मिलता है। अट्ठ कथाओं में आचार्य बुद्ध घोष समझाते हैं कि इस कथन के साथ ही भगवान ने अपने शासन काल की आयु 5000 वर्ष की बता दी। इसका मतलब है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा से 5000 वर्षों तक लोग लाभ प्राप्त करते रहेंगे और संसार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्ग व फल की प्राप्ति अवश्य करेगा। इन 5000 वर्षों में से पहले 2500 वर्षों में क्रमशः धर्म के पालन में शुद्धता कायम रखने में कठिनाइयां आएंगी और शुद्ध धर्म का पालन बहुत थोड़े से ही लोगों के बीच सीमित रह जाएगा। पहले 2500 वर्षों के बीतने पर एक बार फिर शुद्ध धर्म की गंगा वेग से प्रवाहित होने लगेगी और अनेकों लोगों को अपने चित्त को निर्मल करने की ये साधना विधि एक बार फिर मिल जाएगी। धीरे धीरे एक बार फिर शुद्ध धर्म को कायम रखने में कठिनाइयां आएंगी और समय के साथ साथ शुद्ध धर्म का ये मार्ग थोड़े से लोगों के बीच अपना काम करता हुआ अंत में लुप्त हो जाएगा। और फिर आगे कब कोई सम्यक संबुद्ध आएंगे और इस मार्ग को फिर खोज निकालेंगे ये कहा नहीं जा सकता। बुद्ध पादो दुर्लभो लोकस्मिन् दुर्लभो 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 मनुष्य भावो दुर्लभो दुर्लभं सद्धम सवनं दुर्लभ श्रद्धा संपत्ति पब्बचित भाव दुर्लभ। भगवान द्वारा सिखाया गया ये धर्म सुरक्षित रखने के लिए उन 5 ऐसी बातों का विवरण मिलता है जिससे लोगों के मन में गहरी श्रद्धा जागे। पहला, कोई मार्ग और फल प्राप्त आर्यजन जिसके शुद्ध आचरण को देखकर
लोगों के मन में भी अपने चित्त को निर्मल करने की प्रेरणा जागे। दूसरा, पटिपत्ति लोगों को अपने चित्त को संयमित कर उसे निर्मल करने का प्रयास करते देख भी किसी और के मन में वैसी ही प्रेरणा जाग सकती है। तीसरा, भगवान की वाणी जिसके एक एक शब्द में गहरा धर्म का उपदेश समाया हुआ है, उसे सुनकर भी अनेकों के मन में ये श्रद्धा जाग सकती है कि उन्हें भगवान के सिखाए शील, समाधि और प्रज्ञा वाले आर्य आष्टांगिक मार्ग पर चलकर अपना मंगल साधना है। ऐसे ही धर्म से जुड़े साधना स्थल, विहार, चैत्य, गंभीर साधना में लगे अनुशासित भिक्षु इत्यादि भी बहुत से लोगों को अपने व्यस्त जीवन के बीच भी शुद्ध धर्म से जुड़े रखने को प्रेरित करते हैं। और अंत में पांचवा, भगवान बुद्ध की शरीर धातु जो ये एहसास दिलाती है कि भगवान एक ऐतिहासिक महापुरुष थे। कैसे उन्होंने अपने चित्त को निर्मल कर बोधि प्राप्त कर ली थी, कितनी करुणा के साथ लाखों करोड़ों लोगों को भी वह मार्ग सिखाया जिस पर चलकर उन्होंने अपना मंगल साधा, और कैसे उन लाखों करोड़ों लोगों ने भी भगवान की शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर अपना मंगल साध लिया था। यूं बोधि के लक्ष्य की संभावना को देखते हुए भी किसी साधक के मन में तीव्र धर्म संवेग जाग सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान द्वारा सिखाए गए सार्वजनीन सार्वकालिक धर्म की रक्षा हेतु पटिपत्ति, पर्यत्ति, साधना केंद्र, विहार, चैत्य इत्यादि के साथ साथ भगवान की शरीर धातु को चैत्यों में सम्मान पूर्वक सुरक्षित रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है। भगवान के महापरिनिब्बान के पहले जब भगवान के उपठाक आनंद ने भगवान से पूछा, महापरिनिब्बान के बाद कैसे आपके शरीर का सम्मान करेंगे, तो भगवान बुद्ध ने बताया है कि चार व्यक्तियों का सम्मान इस तरह से करना चाहिए। चार व्यक्तियों में आते हैं तथागत, प्रत्येक बुद्ध, अरहत और उसके बाद राजा चक्रवर्ती। इनके परिनिर्वाण के बाद इनके शरीर धातु को स्तूप में रखना चाहिए और चौराहे पर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग चारों दिशाओं से आएंगे और उसको देख करके कि ये क्या चीज़ है, उन्होंने क्या क्या काम किया संसार में, इन सारी बातों को याद करेगी जनता और उससे प्रेरित होगी अच्छा काम करने के लिए। भगवान ने ये भी कहा कि वहां अगर साधक विपश्यना का अभ्यास कर अपने चित्त को निर्मल करने का काम करे तो वह उसके लिए चिरकाल तक हित कराने वाला कर्म होगा। अवशेष के समय ध्यान करने से आदमी को अनंत शांति होता है, एक प्रकार का कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है बोलते हैं वो सच है। एक समाधि होते है, क्या होता है, मन अत्यंत परिशुद्ध होता है। परिशुद्ध होने से शरीर इतना हल्का होता है, इसलिए जहाँ ये अवशेष होता है वहाँ और भी ज़्यादा इसका कंपन होता है, ये अनुभव से होता है। भगवान के महापरिनिब्बान के उपरांत उनके शरीर का अधिकांश भाग छोटे छोटे मोतियों जैसे धातुओं के रूप में प्राप्त हुआ। इनके सबसे छोटे टुकड़े सरसों के दानों बराबर, कुछ चावल के दानों के बराबर और सबसे बड़े भाग मूंग के दानों के बराबर थे। इनके अतिरिक्त चार दांत, दो हंसुली की हड्डियां और शीश की एक हड्डी, इनको मिलाकर सात शरीर धातु अपने मूल रूप में ही प्राप्त हुई थी। अठ कथाओं में मिला ये विवरण तथ्य के रूप में पुरातत्व विभाग द्वारा अशोककालीन चैत्यों की खुदाई में मिली बुद्ध धातु से भी प्रमाणित होता है। कल तक जो महामानव स्वयं लाखों करोड़ों लोगों को
निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सिखा रहा था। अब वह परिनिवृत्त हुआ और उनका वह शरीर यूं छोटे छोटे मोतियों जैसे धातुओं में बदल गया, मानो शरीर के अंदर का सारा प्रकाश, सारी स्वच्छता, सारी आभा दाह संस्कार होने पर इन धातुओं में बदल गई। कोई अचरज की बात नहीं है, वैज्ञानिक सी बात है जो हर विपश्यी साधक अपने अनुभव से जानता है। अपन जब शील, समाधि और प्रज्ञा का जीवन जीते हैं तो हमारे मन में जितने डिफाइलमेंट्स हैं वही पहले तो क्लीन होना शुरू होता है। मन जब विशुद्ध होता है तो अपने आप शरीर भी विशुद्ध होने लगता है। माइंड और मैटर आर इंटर रिलेटेड। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है ऐसे ऐसे अपना शरीर भी शुद्ध होता है, तो मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और इसका एक गुण है कि जो ये भगवान के रिलिक्स है, धातु है, वो फिर इसी प्रकार का बदलाव आता है, ऐसी मान्यता चली आई है। जब कोई सम्यक संबुद्ध अनेक जन्मों से तपता हुआ इस जीवन में बोधि प्राप्त कर 45 वर्षों तक हमेशा मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के भाव में रहे तो उनके शरीर का स्वभाव भी वैसे ही अतिशुद्ध होगा। भगवान जब जीवित थे तो उनके शरीर पर महापुरुषों के 32 लक्षण थे, जिसे देखने दूर दूर से भारत के लक्षण शास्त्री आया करते थे। और वही शरीर दाह संस्कार के बाद हमें इन धातुओं के रूप में मिला। भगवान के समय के 8 राजाओं में वो शरीर धातु बांटी गई और उन राजाओं ने उन पर 8 चैत्य बनवाए। जिस मटकी में भगवान की शरीर धातु रखी थी उस पर ब्राह्मण द्रोण ने स्तूप बनवाया और जो भस्म थी उस पर पिप्पली वन के मौर्यों ने स्तूप बनवा दिया। इस प्रकार भगवान के दाह संस्कार के बाद 10 स्तूपों के बनवाए जाने का वर्णन मिलता है। इस दौरान भगवान के उपदेशों को सुरक्षित रखने के लिए धुतांगधारियों में अग्र अरहत महाकाश्यप के नेतृत्व में 500 अरहत भिक्षुओं द्वारा प्रथम संगीति का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। भगवान की वाणी को त्रिपिटक नामक ग्रंथ में सुरक्षित रख दिया गया। बुद्ध वाणी मीन्स की 3 पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत पिटक में बुद्ध ने आम जनता के लिए उपदेश दिया है, विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए उपदेश दिया है और अभिधम पिटक में मनोवैज्ञानिक उपदेश है। इस कारण से इसको त्रिपिटक कहा जाता है। महाकाश्यप के निर्देश अनुसार राम ग्राम के कोलियों को छोड़कर अन्य राजाओं से भगवान की शरीर धातु का अधिकतर हिस्सा प्राप्त कर महाराज अजात शत्रु के संरक्षण में मगध राज्य में स्तूप में सन्निधानित करवाया गया। कहा जाता है कि भगवान के महापरिनिब्बान के 250 वर्ष बीतते बीतते ऐसा समय आया कि कुछ लोगों ने उनकी शिक्षा को अपने अनुकूल ढालना शुरू कर दिया और इस प्रकार भगवान की शिक्षा का कड़ाई से पालन करने वालों के अलावा 17 और निकाय बन गए। भगवान की भविष्यवाणी सच होती दिख रही थी। सम्राट अशोक का तब भारत पर एक छत्र शासन था। बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का काम वो शुरू कर चुके थे और अपने गुरु उस काल के संघ नायक मुग्गलीपुत्त तिस्स के इस बात को उठाने पर उन्होंने 3री संगीति का आयोजन करवाया और वहां धर्म को अपने शुद्ध रूप में रखने के लिए संपूर्ण त्रिपिटक के पुनः संपादन के साथ साथ अनेकों स्थविर भिक्षुओं को 9 अलग अलग स्थानों पर धर्म को शुद्ध रूप में सुरक्षित रखने और प्रचार हेतु भेजा। जिन 9 स्थानों पर स्थविर भिक्षुओं को शुद्ध धर्म की रक्षा और प्रचार हेतु भेजा गया उसमें म्यांमार भी एक देश था, जिसे अशोक काल में सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। मान्यता है कि मुग्गलीपुत्त तिस्स ने उस समय ये भविष्यवाणी की कि ये जो बुद्ध, धर्म और संघ नामक 3 रत्न हैं वह सुवर्ण में सुरक्षित रहेंगे।
2500 वर्ष तक संभाल के रखेगा और फिर भविष्यवाणी की कि 2500 वर्ष के बाद जब भारत में इसका नामो निशान नहीं होगा तब ये बर्मा से भारत आएगा। भारत में अनेक लोग इसे स्वीकार करेंगे। अट्ठ कथाओं से पता चलता है कि इस तीसरी संगीति से कुछ वर्षों पूर्व सम्राट अशोक ने पुराने चैत्यों में से भगवान की शरीर धातु प्राप्त कर उन पर 84,000 चैत्य बनवाने का आदेश दिया था, जो कि उनके बृहद साम्राज्य के हर क्षेत्र में नागरिकों को धर्म के आचरण के लिए प्रेरित करवाने के लिए किया गया था। अशोक की नागरिकों से धर्म आचरण की ये आशा का प्रमाण हमें अशोक के अनेकों शिलालेखों से भी मिलता है। त्रिपिटक में 84,000 सूत्र हैं, तो शायद इसलिए सम्राट अशोक ने भी 84,000 स्तूपों की कल्पना की होगी। इनमें से आज की पीढ़ी को तो बहुत थोड़े से ही अशोककालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। शायद अधिकांश स्तूप समय के साथ साथ धूल धूसरित होकर मिट्टी में ही मिल गए हों, या कुछ विदेशी लुटेरों द्वारा लूट भी लिए गए हों। पर कुछ विशेष स्तूप सांची, सारनाथ, भरहूत, अमरावती इत्यादि स्थानों पर आज भी देखे जा सकते हैं। प्रथम बुद्ध शासन काल का अंत होते होते लोग इन चैत्यों के साथ साथ उनमें सन्निधान की गई भगवान बुद्ध और उनके अग्र श्रावकों की शरीर धातु को शायद पूरी तरह भूल ही चुके थे। पर द्वितीय शासन काल आते आते पुरातत्व विशेषज्ञों को वह अनेक चैत्यों में मिलने लगी। सबसे पहले 1898 में W.C. पेप्पे नाम के व्यक्ति को पिपरवाह के स्तूप में संयोगवश मिली। वहां धातु कक्ष में उन्हें 3 पात्र मिले, 2 पात्रों में उन्हें कुछ रत्न मिले और 1 पात्र में कुछ मोतियों जैसे धातु जिसे वे समझ न सके कि वो क्या है। इस पात्र पर ब्राह्मी लिपि में कुछ अंकित था जिसे पढ़वाने पर पता चला कि पाली भाषा में भगवा लिखा है। तब ये बात समझ आई कि उस पात्र में भगवान बुद्ध की शरीर धातु है। उस समय के भारत में भगवान बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी न के बराबर रह गई थी और जो कुछ थी उनमें अनेकों भ्रांतियां ही थी। ऐसे ही उनकी शिक्षा और उनके सिखाए गए मार्ग के विषय में तो कोई कुछ जानता भी नहीं था। वहीं म्यामा में भविष्यवाणी के अनुसार भगवान की शिक्षा और उनके द्वारा सिखाया गया मार्ग अर्थात ये विपश्यना साधना की विधि बहुत थोड़े से ही भिक्षुओं के बीच गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सुरक्षित रही। तो इन थोड़े से आचार्यों ने ये विपश्यना की शिक्षा लुप्त ना हो जाए, भारत में लुप्त हो गई, बाकी देशों में लुप्त हो गई, हमारे यहाँ लुप्त ना हो जाए, इसलिए संभाल के रखी कि 2500 वर्ष के बाद ये विद्या भारत जानी है, बुद्ध की शिक्षा सारी भारत जानी है, तो हम उसको शुद्ध नहीं रखेंगे तो जाएगी कैसे, और जाएगी तो शुद्ध रूप में कैसे जाएगी। वहाँ शायद सूर्ण और उत्तर के साथ अशोक काल की वह भविष्यवाणी भी मौखिक रूप से प्रचलित हो गई थी। वहाँ के समाज ने इस अमूल्य रत्न को न सिर्फ संभाल कर रखा परंतु द्वितीय बुद्ध शासन काल में उसे भारत वापस भेजने के लिए भी तत्पर रहे। इसी गुरु शिष्य परंपरा में लेदी सायदो नाम के स्थविर भिक्षु हुए, जो 1894-95 में कृतज्ञता व्यक्त करने भारत आए। भगवान से जुड़े अनेक स्थानों की उन्होंने यात्रा की। भारत में भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के प्रति दयनीय अवस्था देखकर उन्होंने शायद सोचा, The Dhamma has to spread round the world and it will spread round the world if the householders take up this vision. Because people will have more confidence in them, one thing, and people will feel more non-sectarian in taking Dhamma from them. And people will feel that this path is not merely for monks. So then he was the first person who decided that there must be householder teachers. 20वीं सदी के आरंभ में उपोथेट नाम के एक गृहस्थ युवक ने
लेदी सायदो से साधना सीखी, जो आगे चलकर साया थैजी के नाम से प्रख्यात हुए। फिर 1937 में साया थैजी के पास उबा खिन नाम के युवक ने विपश्यना सीखी, जो आगे चलकर अरहत भिक्षु वेबू सायदो की प्रेरणा से विपश्यना के सबसे प्रभावशाली आचार्यों में से एक हुए और साया जी उबाखिन के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1954 आते आते भगवान के प्रथम शासन काल का भी अंत होने लगा, तो उस उपलक्ष पर म्यामा में 2 वर्षों तक छठी संगीति का आयोजन हुआ। भारतीय मूल के बर्मी नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें वहां के श्रेष्ठ व्यवसायियों में से एक श्री सत्यनारायण गोयनका भी थे। 1 सितंबर 1955 को उन्होंने सायाजी उबाखिन के पास अपने पहले शिविर में भाग लिया। 1955 में प्रथम बुद्ध शासन का अंत माना जाता है और फिर 14 वर्षों तक अपने गुरुदेव के चरणों में रहकर साधना सीखने सिखाने का कार्य करते हुए 1969 में गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयनका भारत आए और जुलाई 3, 1969 को भारत में 2000 वर्षों के बाद पहला 10 दिवसीय विपश्यना शिविर लगा। विपश्यना पुनः भारत लौटी। मोगली पुत्र तिस्स की अशोककालीन भविष्यवाणी सत्य हुई। म्यामा के लोगों की 2300 वर्षों की तपस्या सफल हुई। भारतीय समाज की सामान्य व्यवस्था लेकिन अब भी वैसी ही थी जैसी 1894-95 में लेदी सायदों ने देखी थी। भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षा के विषय में अंधकार कायम था। पुराने चैत्यों से मिली भगवान बुद्ध की शरीर धातु या तो विदेशों या भारत के संग्रहालयों में रखी थी। केवल लंका और म्यामा जैसे देशों में ही भगवान की शरीर धातु चैत्यों में सुरक्षित थी, जैसे कि भगवान ने महापरिनिब्बान के पहले आनंद को समझाया था। पर जहां भगवान के जीवन और उनकी शिक्षा के विषय में इतना अंधकार हो, जहां समाज उनकी शिक्षा के आधार पर चलकर मिलने वाले लाभ से पूरी तरह अनभिज्ञ हो, वहां एक ऐतिहासिक बुद्ध के महत्व और उनके लिए आदर भाव को लोग कैसे समझते। उनकी शरीर धातु को संग्रहालयों में न रखकर चैत्यों में सम्मान पूर्वक रखने के महत्व को कैसे जानते। तो गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयनका ने पहले विपश्यना साधना सिखाकर लोगों के मंगल के काम पर ही ध्यान दिया। धर्म जड़े जमाने लगा। दूसरे शिविर से ही नए साधकों के साथ साथ पुराने साधक तपने लगे। विपश्यना का लाभ मिला तो बार बार शिविरों में बैठने की इच्छा स्वाभाविक ही थी। साधना केंद्र तो तब थे नहीं, कभी धर्मशालाओं, कभी मंदिर, कभी होटलों में बुकिंग करके शिविर लगाए जाते थे। साधना तब भी बिना किसी शुल्क के ही सिखाई जाती थी। 1971 के अंत तक ही इन जिप्सी शिविरों में 100 से अधिक साधक बैठने लगे, जिसमें काफी मात्रा में पुराने साधक भी होते थे। साधक प्रगति कर रहे थे तो उनकी साधना की गंभीरता को बल देने के लिए गुरुजी ने दिसंबर 1972 में वाराणसी में 20 और 30 दिन के पहले शिविर लगाए। हम देखते हैं कि आज कल ये विपश्यना में यंग जनरेशन बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्ट्रेस की लाइफ है, मानते हैं कि हम दुनिया में दुनिया की चीज़ों से सुखी है, कार है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, सत्ता है, इतना होने के बावजूद मन में बहुत अशांति है। तो इसके लिए वो शांति खोजने के लिए ये हमें विपश्यना करनी है। नवंबर 1974 में इंदौर में 100वां 10 दिवसीय शिविर लगा। विपश्यना को पुनः भारत आए अभी 4.5 साल ही बीते थे और धर्म का ऐसा वातावरण लगातार प्रगति पथ पर था। उधर 1970 में ही सायाजी उबाखिन ने गुरुजी को एक पत्र में
स्थायी केंद्र बनाने का आदेश दिया था। धर्म की प्रगति देखकर गुरुजी को भी स्थायी साधना केंद्र की आवश्यकता साफ दिख रही थी। साधक भी विपश्यना के अभ्यास से मिलने वाले लाभ से परिचित हो चुके थे। तो ऐसे वातावरण में हैदराबाद और इगतपुरी में तपोभूमि के निर्माण हेतु जमीन के दान आने लगे और अक्टूबर 1976 में धम्मगिरी इगतपुरी में विपश्यना का पहला स्थायी केंद्र तैयार हुआ और 10 दिवसीय शिविर लगा। 1979 में विपश्यना के पुनः भारत लौटने के 10 वर्ष पूरे हुए। तो गुरुजी की पहले से ली हुई प्रतिज्ञा के आधार पर भारत के बाहर अनेक कठिनाइयों के बावजूद फ्रांस में पहला शिविर लगा। विपश्यना अब पश्चिमी देशों में फैल रही थी। पश्चिमी देशों से जो हिप्पी भारत आते थे उनमें से अनेकों ने विपश्यना साधना गुरुजी से सीखी हुई थी, लेकिन अब तो विपश्यना सीधा विदेशों में ही सिखाई जाने लगी, जिससे आगे चलकर वहां भी स्थायी केंद्रों के निर्माण की नींव पड़ी। आज विश्व भर में 200 से अधिक स्थायी विपश्यना केंद्र हैं। विपश्यना साधना के अभ्यास को ही पटिपत्ति कहते हैं। जब पटिपत्ति का काम जड़े जमाने लगा तो गुरुजी ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति भी आरंभ कर दी, जिससे केंद्रों पर निरंतर शिविर लगते रहे और साधकों को लाभ मिलता रहे। 1982 में 8 साधकों को गुरुजी ने अपना सहायक आचार्य घोषित किया। आज विश्व भर में 1500 से अधिक साधक सहायक आचार्य, वरिष्ठ सहायक आचार्य, पूर्ण आचार्य, केंद्र आचार्य और अन्य पदों पर निःशुल्क धर्म सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे साधक थे जो ये जानना चाहते थे कि जो विद्या आप सिखा रहे हैं इस विद्या का ये विद्या है कहाँ, भगवान बुद्ध के उपदेश कहाँ है। तो गुरु जी के मन में ये बात आई कि सारा त्रिपिटक को अगर हिंदी में प्रकाशित कराया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। विपश्यना विशोधन विन्यास की स्थापना 1986 में पूज्य गुरु जी ने किया था, इसलिए किया था कि उस पर रिसर्च किया जा सके, किताबें छापी जा सके, जो भी लोगों की शंकाएँ हैं वो दूर किया जा सके, पाली की पढ़ाई भी की जा सके। बर्मिस लोग बहुत अच्छी तरह से त्रिपिटक को रखे थे, इसलिए गुरुजी वहाँ से लेके आया पूरा त्रिपिटका। पूरा त्रिपिटका माने ये मूल पाली और उसका अठकथा मतलब कमेंट्री और टीका माने सब कमेंट्री सब लेके आया। बर्मा में छठ संगायन होकर के सारा त्रिपिटक अठकथा टीका सब प्रकाशित हो चुका था। उसके आधार पर हम लोगों को यहाँ तक देवनागरी संस्करण निकालना था। तो देवनागरी संस्करण में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा काम हुआ है, ये मैं कहूंगा कि हिमालयन टास्क हम लोगों ने किया। इस कार्य को संपन्न होते होते 1997 तक का समय लगा। कार्य के अंत में 1998 में 140 पुस्तकों में भगवान की वाणी का प्रकाशन किया गया और 98 में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे लाइब्रेरी में, विश्वविद्यालय हैं, संस्थाएं हैं, बिहारेज हैं, उनको सब फ्री दिया गया और ये फिर सीडी रोम में डाला गया जो इंटरनेट पर भी प्रकाशित की गई है। अनुवाद का काम भी आगे बढ़ाया गया था और अब कुछ व्यवधानों के बाद पुनः आगे बढ़ाया जाएगा। पाली भाषा सिखाने के लिए निरंतर शिविर लगते रहते हैं, जिससे साधकों को भगवान के उपदेश सीधा उन्हीं की भाषा में पढ़ने का अवसर मिलता है। पाली सिखाने के लिए उसका हम लोग क्लासेस लगाते हैं जिसमें पाली लोग सीख सकें, उसमें सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं, डिप्लोमा कराते हैं, एमए बाई रिसर्च भी हो रहा है, वो पीएचडी भी कराते हैं। 2016-17 से अभिधम पिटक की क्लासेस भी लेनी शुरू कर दी हम लोगों ने। पटिपत्ति के बाद इस प्रकार पर्यत्ति की भी जड़ें जब भारत व अन्य देशों में जमने लगीं तो धर्म की प्रगति होते देखकर गुरुजी के मन में भगवान बुद्ध और म्यामा के प्रति अपना आदर व कृतज्ञता प्रकट करने का मन हुआ। अब तो गुरुजी के साथ भारत और विदेशों में इतनी अधिक संख्या में भगवान की शिक्षा से लाभान्वित साधक भी थे। मेरे तो दो हाथ धर्म के हजारों हाथ। I got only two hands. Dhamma has got thousands of hands.
all these thousands of help. Hence, they are working. भगवान बुद्ध के इस द्वितीय शासन काल में पांच भागों में से चार यानी अधिगमन, पटिपत्ति, पर्यत्ति और लिंग के बीज गुरुजी पहले ही बो चुके थे। अब धातु के क्षेत्र में बीज बोना बाकी था, मतलब एक चैत्य बनाकर उस चैत्य में भगवान बुद्ध की शरीर धातु को सन्निधान करना। सम्राट अशोक के बाद 2300 वर्षों में पहली बार भारत में एक विशाल चैत्य के निर्माण के काम को हाथ में लिया गया और इस प्रकार विश्व विपश्यना पैगोड़ा या ग्लोबल विपश्यना पैगोड़ा के निर्माण की परियोजना शुरू हुई। इस पैगोड़ा के निर्माण के पीछे चार मुख्य कारण थे। पहला, म्यांमार के प्रति 2300 वर्षों तक धर्म को संभाल कर रखने के लिए आदर व कृतज्ञता। दूसरा, हमारे दादा गुरु सयाजी उबा खिन के प्रति आदर व कृतज्ञता। तीसरा, धर्म का प्रकाश स्तंभ जिसे देखकर लाखों की संख्या में जिज्ञासु लोग आए और जहां भगवान के जीवन, उनकी शिक्षा और उसे सीखने के विषय में सटीक जानकारी दी जा सके। चौथा, भगवान बुद्ध की शरीर धातु को सन्निधानित कर भगवान के दिए आदेश का सम्मान पूर्वक पालन करना व साधकों की कृतज्ञता व्यक्त करना। तो एक इच्छा ये भी थी कि कभी न कभी वो सब जो बिखरे हुए भगवान के रिलिक्स है वो यहाँ आएंगे, तो इसके लिए पगड़ा बना था कि सभी धातु यहाँ सुरक्षित हो। तो गुरुजी ने सोचा कि RCC का बनेगा तो 80 साल 100 साल फिर क्या, फिर धातु का क्या, फिर तो 2000 साल कैसे चलेगा। फिर एक आइडिया है कि अभी ये पत्थर में बनाए। 25 लाख टन पत्थरों से 324 फुट ऊंचा पगोड़ा बनाया गया, जिसके विषय में गुरुजी ने बताया कि ये पगोड़ा 2500 वर्षों तक धर्म की सेवा करता रहेगा। लोग केवल इस पत्थर की इमारत को देख कर नहीं रह जाएंगे, उनमें चेतना जागेगी कि भगवान बुद्ध ने क्या सिखाया, उनकी विपश्यना विद्या के बारे में जानकारी होगी। इनमें से कुछ अवश्य विपश्यना के शिविरों में भाग लेंगे और अपना कल्याण करेंगे। विपश्यना लोक कल्याण के लिए ही है। पर्यति जब तक रहेगी, माने भगवान का साहित्य, जैसे ही भगवान एक एक वाणी अमृत है वो रहेगी और भगवान की ये धातु सुरक्षित रहेगी, तब तक ये विपश्यना और भगवान का धर्म, शील, समाधि इत्यादि इसमें सुरक्षित रहेंगे। चैत्य का अर्थ ही चित्त विशुद्धि करने के, साधना करने के लिए बैठना। यहाँ का चैत्य इस प्रकार बनाया गया कि हॉलो बनाया गया। इसमें बिना किसी स्तंभ के एक विशाल गुंबद है जिसमें 8 से 10 हजार साधक सामूहिक साधना कर सकते हैं। गुरुजी ने भगवान की शरीर धातु को सन्निधानित करने के लिए पैगोड़ा में अनेक कक्ष बनवाए। यह धातु कक्ष ठीक उसी पद्धति से बनवाए गए हैं जैसा कि अरहत महाकाश्यप ने महाराज अजातशत्रु को निर्देश दिया था कि भगवान की धातु किसी पात्र में रखकर चारों तरफ से पत्थर के बने कक्ष में रखी जाए जो चैत्य के अंदर सुरक्षित रहे। इसकी वास्तुकला भी पुरातन काल से ही इस प्रकार की होती है कि किसी व्यक्ति को इसके ऊपर चलने का स्थान ही न रहे। इससे बुद्ध धातु का अपमान गलती से भी नहीं होगा। आधुनिक विश्व के इस पहले चैत्य में भगवान गौतम बुद्ध की शरीर धातु के बहुत थोड़े से ही अंश का सन्निधान किया गया है। भगवान के महापरिनिब्बान से पहले आनंद को दिए गए निर्देश का पालन हुआ। ये पैगोड़ा की दूसरी गुंबद में विशेष कक्ष में रखा गया है और इसी के नीचे की गुंबद में बैठकर सभी साधक साधना करते हैं और अपना मंगल साध लेते हैं। यहाँ पर रखी भगवान बुद्ध की शरीर धातु श्रीलंका और महाबोधि सोसाइटी से प्राप्त हुई थी, पर ये इतना छोटा सा अंश है और आज भी सारे विश्व में
भगवान की शरीर धातु धर्म से बिल्कुल परे की अवस्था में जगह जगह रखी हुई है। केवल श्रीलंका व म्यांमा में यह बुद्ध वचनों के आधार पर सम्मान पूर्वक रखी हुई है। म्यांमा के श्वेदागोन पेगोडा में भगवान बुद्ध के बोधि प्राप्ति के बाद ही तपुस्स और भल्लिक नामक दो व्यापारी श्रद्धालुओं को दिए गए 8 केश के गुच्छों के साथ साथ ककुसंध, कोणागमन और कश्यप बुद्ध से जुड़े भी कुछ अवशेष सन्निधानित हैं और ऐसे ही वहां अनेक स्तूप हैं। लंका के अनुराधपुर स्थित थूप आरामाय दागुबा में भी सम्राट अशोक द्वारा दान में दी गई बुद्ध की शरीर धातु में से हंसुली की एक हड्डी यानी कॉलर बोन पर स्तूप बना है। ऐसे ही 4 में से एक दांत को भी वहां अलग स्तूप में सन्निधानित किया गया है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भी पेपरवा से मिली भगवान की शरीर धातु का कुछ अंश रखा है। गुरु जी की ये भी इच्छा थी कि भाई हमने ये पगोड़ा बनाया है, भगवान की धातु जो श्रीलंका में थी महाबोधि सोसाइटी ने दी, उनको यहाँ रखा गया। जो म्यूजियम वगैरह में धातु रखी गई है वो धातु सभी लोग को अपमानित फील हो रहे हैं, उनका सही जगह पर पगोड़ा में होना चाहिए। तो इसके लिए ये अपने को ये पगोड़ा बनाया है, कोई भी पगोड़ा में रहे भगवान का धातु, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ये शरीर धातुओं को चैत्यों में रखने की परंपरा भगवान बुद्ध से ही शुरू नहीं होती। भगवान के काल में ही हमें पूर्व के 15 से अधिक चैत्यों के नाम व स्थान उपलब्ध हैं, जो शायद चलते चलते काल का ग्रास हुए। बुद्ध के समय में ही कौंडिन्य थेर का जो सबसे पहले अर्थ हुए, सारिपुत्र, मोग्गलान, ये सब बड़े मुख्य शिष्य थे उनके, उनका परिनिर्वाण बुद्ध से पहले हो गया, तो उनके अस्थियों पर भगवान बुद्ध ने स्तूप बनाने की बात कही। उसमें बाही दारुचिरी भी एक था। बाही दारुचिरी जो नाला सोपारा का था, वो यहाँ से पैदल चल करके भगवान बुद्ध के पास श्रावस्ती गया। इतने संक्षेप में भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दे दिया और इतना पका हुआ व्यक्ति था कि उसने तुरंत समझा, उसकी मृत्यु भी हो गई और उस भगवान बुद्ध ने उसका शरीर जो अवशेष था उस पर स्तूप बनवाया था। भारत की बहुत पुरातन परंपरा रही है, कोई संत देह त्यागता है और उसके शरीर का जहां अग्नि संस्कार किया जाता है वहां लोग एक चैत्य बनाते थे उसकी याद में। बुद्ध के पहले भी चैत्य थे भारत में। उस संत के जो भक्त हैं वो आकर के वहां नमस्कार करते थे। तो ये निश्चित है कि शरीर धातुओं को चैत्यों में रखने की परंपरा भारत में भगवान बुद्ध के पहले भी थी। ये हमारे भारत की अत्यंत पुरातन परंपरा है जिसका सम्मान हम सबको करना चाहिए। अभी तो द्वितीय बुद्ध शासन काल के केवल 65 वर्ष ही बीते हैं। बुद्ध के बताए मार्ग पे चलकर लाखों साधकों ने लाभ प्राप्त करना शुरू ही किया है। उनकी वाणी को खुद पढ़कर उनकी वास्तविक शिक्षा व उपदेश समझने का अवसर अभी आरंभ ही हुआ है। भगवान की स्वयं की भविष्यवाणी और मोग्गलीपुत्त तिस्स की भविष्यवाणी अभी तो यथार्थ में उतरी ही है। तो फिर ये विश्वास भी अवश्य होना चाहिए कि आने वाले समय में भगवान बुद्ध की सारे विश्व में बिखरी हुई शरीर धातु भी धीरे धीरे चैत्यों में स्थापित होगी ही। अरे जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी विद्या ढूंढ निकाली, लोगों का कल्याण किया, हमने दुर्भाग्य से उसे खो दिया, उसके अवशेष उनका सम्मान होना चाहिए। ये इतनी बड़ी पगोड़ा, इतना बड़ा स्तूप, उनके अवशेषों का सम्मान करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हमारा देश का एक ऐसा महापुरुष हुआ, अरे विश्व के मानव जाति का ऐसा महापुरुष हुआ
जिसने विश्व कल्याण के लिए इतनी बड़ी बात ढूंढ निकाली, उसके अवशेष का हम सम्मान नहीं करें। बर्मा के लोग भगवान बुद्ध का बाल शेडोगन पगोड़ा में रखते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध का दांत लंका में सम्मान करते हैं, पगोड़ा में रखते हैं। हमें भी होश आए, हमें भी होश आए, सम्मान करना सीखें। सम्मान इसलिए करते हैं कि उससे हमें इतना कुछ प्राप्त हुआ, उसका उपकार मानते हैं। लेकिन असली सम्मान तो वो कि जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे और फिर दोनों काम होता है, एक और सम्मान हो रहा उनके अवशेषों का और एक और लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए एकत्र हो रहे हैं, अपनी शांति के लिए, औरों की शांति के लिए, अपने भले के लिए, औरों के भले के लिए, अपने मंगल के लिए, औरों के मंगल के लिए। खूब धर्म जागे, खूब धर्म जागे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। नमन करें सब धर्म को, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा मंगल करे, धर्म बड़ा बलवान, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें सब धर्म को, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा